विजयदशमी पर्व 2022 का मनाने के लिए आए हुए हैं आज। और ये नावापारा, अमगसी नावापारा, उदयपुर और लखनपुर के बीच में है। तीसरा दिन मनाया जाता है, पहला दिन अंबिकापुर, दूसरा दिन लखनपुर और तीसरा दिन अमगसी नावापारा में चौक में पड़ता है दोस्तों। मेन रोड NH 130 का नज़ारा है। हम लोग पहुँचे हैं अभी अभी, मेरे यूट्यूब पर मान राजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर में है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा आपके यहाँ के कहानी, पूरा विवरण बताऊँगा क्या स्थिति है यहाँ, किस तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, पूरा जानकारी आपको बताता हूँ। रेट बताइए। ओ चाचा, अरे ठीक है। आ रहा है। एक लड़का को दूंगा सूरज कुरु वाला को। हाँ, ये ऊपर लाइन में दिखा देंगे। हाँ ठीक। आप सभी का हमारे नवापारा में दशहरा गांव में स्वागत है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। नवापारा में विजयदशमी, रावण के आज कस बुराई को खत्म करते हैं, रावण को खत्म करके, तो इस परिप्रेक्ष्य में दिखाएंगे। कैमरा मैन से मैं चाहूंगा कि पूरा एक बार दिशा बताएंगे। और सबसे सबसे बड़ी बात है कि अंबिकापुर में पहला दिन मनाया जाता है, लखनपुर में दूसरा दिन है, तीसरा दिन में मनाया जाता है, ये प्रथा है। पहले जब हम बताते थे कि राजा जब पहले अंबिकापुर में मना लेते थे, इसके बाद लखनपुर में आते, तीसरा दिन ये त्यौहार को बड़ा हर्ष के साथ मनाते थे। बहुत पुरानी पौराणिक कथा है। तो यहाँ पर दो लखनपुर से भी ज़्यादा भीड़ लग रहा था, अंबिकापुर में कम भीड़, उससे ज़्यादा भीड़ था लखनपुर में, और सबसे ज़्यादा भीड़ था यहाँ नावपारा में देखने को मिला आने जाने में। बड़ा दूर दराज से तकरीबन कह सकते हैं उदयपुर और लखनपुर के मध्य में ये अमगसी नावपारा पड़ता है। यहाँ पर भव्यता मनाया जाता है। यहाँ के लोगों से मैं मिल रहा हूँ, जानकारी चाह रहा हूँ। बताइए सर, कहाँ से हैं दोस्त? मैं दुर्गा से हूँ। यहाँ बताइए, यहाँ के बारे में जानकारी बताइए, ये भीड़ के बारे में आज बता दीजिए। भीड़ के बारे में बहुत भयंकर भीड़ है सर, ऐसा भीड़ है अंबिकापुर और लखनपुर से भी ज़्यादा भीड़ लगा था। जी सर, लखनपुर अंबिकापुर से भी ज़्यादा है। जी। चलिए, और लोग से जानकारी चाहूँगा मैं। यहाँ पर भव्यता पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, और लोग से बीच बीच में मैं चाहूँगा, तब तक क्लोज कर दीजिए। हाँ, वेलकम सर। यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं विजयदशमी पर्व, रावण को मार करके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी विजय हासिल किया था, उसी को बुराई यानी कि अपने अंदर रहता है बुराई, उसको भी खत्म करते हैं मार करके। तो हमारे एक संजर में पहुंचे हुए आदमी, का नाम है सर, कहाँ से हैं? संपूर्ण है, संपूर्ण। अच्छा, संपूर्ण, ठीक है, ठीक है। बताइए सर, यहाँ के बारे में, तीसरा दिन में मनाए जाते हैं, प्रथा के बारे में बता दीजिए। मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो अंबिकापुर का हूँ, साल में मतलब एक बार बनाते हैं। यहाँ भीड़ के बारे में बता दीजिए। भीड़ के बारे देखिए, अभी जो भीड़ है आपके सामने भीड़ है। जी। अंबिकापुर लखनपुर से ज़्यादा भीड़ लग रहा है इस साल? हाँ, इस साल लग रहा है ज़्यादा भीड़ है। चलिए ठीक है, ठीक है। अमगसी नावापारा और विजयदशमी बड़ा हर्ष के साथ मनाया जा रहा है, और अमगसी नावापारा उदयपुर और लखनपुर के मध्य में पड़ता है, और यहाँ पर तीसरा दिन मनाया जाता है। पहले जमाने में ऐसा प्रथा है, राजा महाराजा लखनपुर में आते थे, तीसरा दिन मतलब यहाँ आते थे, और पूरा उसी का राज्य में पड़ता था, ऐसा प्रथा है। और लोग भी इसके आसपास में लखनपुर नहीं जा पाते हैं, उसके लिए भी प्रथा है, यहाँ के लोग आते हैं जाते हैं। लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले जमाने में रावण बहुत बुद्धि था, बहुत, लेकिन वो एक गलत काम कर दिया, इसे सीता मैया को अपहरण करके, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनको युद्ध करके हरा दिया और ख़त्म कर दिया। तो आज बुराई से अच्छाई की ओर चलाया जाता है। कहाँ से बताइए, जानकारी यहाँ के बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा, यहाँ दशहरा का प्रोग्राम रखा गया है, सामने रावण दहन का प्रोग्राम है। जय माता दी। यहाँ तीसरा दिन मनाया जाता है, उसके बारे में बताइए। यहाँ पारा में लगभग तीसरा रोज कल लखनपुर का प्रोग्राम, इसके बाद आज यहाँ मनाया जाता है। मैं माता रानी को कृपा करूँगा कि यहाँ से कितने आए हुए हैं, सबको माता रानी दृष्टि जमाए रहे। जय माता दी। कहाँ पड़ता है, तीसरा दिन में क्यों मनाते हैं सर? यहाँ परम्परा 1997 से यहाँ आए हुए हैं, मनाते हैं यहाँ लगातार हर वर्ष की भांति। यहाँ भी लखनपुर गिर ग्राम से मनाए के बाद यहाँ मनाया जाता है। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आए हुए हैं लड़कियाँ लोग, कुछ आए हुए हैं, कहाँ से हैं? बताइए कहाँ से हैं? यहाँ कितना भीड़ है बता दीजिए। और लखनपुर और अंबिकापुर से ज्यादा भीड़ लग रहा था, बताइए यहाँ के बारे में। मतलब वहाँ भी था लेकिन यहाँ भी है, मतलब कैसे लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, में अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि रावण को मार देते हैं, बुराई को खत्म कर देते हैं, है ना, लेकिन फिर भी अपने अंदर में बुराई बच जाता है, उसके बारे में बताइए कुछ। मतलब क्या होता है, वो तो अपने ऊपर रहता है ना कि बुराई कैसे खत्म करेंगे। रावण को तो मार देते हैं, बुराई खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में जो बुराई रहता है वो बचा रहता है। कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या दूं मैं हमारे चैनल को कुछ, कि क्या संदेश देना चाहेंगे सबको, है ना, बुराई को खत्म करना चाहिए। कहाँ से हैं आप? चलिए, यहाँ पर बहुत सारे गांव के लोग आए हुए हैं, क्या नाम है आपके? हेम कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि आज मजा आ रहा है, आनंदित हो रहे हैं? मजा आ रहा है, रावण को आज मार ही देंगे। जी, हम लोग मार देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी रावण को मार करके विजय को जीता था, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम बहुत सारे लोग आए हुए हैं,
तीसरा दिन में मनाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं दुर्गा पूजा आ रहा है, आ जाएंगे। यहाँ पर कलाकार लोग भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, कलाकार लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। शत्रुघ्न कुमार रावत। कितना दिन मनाया जाता है, क्या परंपरा है सर? यहाँ का रहता है मतलब नवमी से लेके मतलब अष्टमी से चालू करता हूँ। का संदेश देना चाहेंगे? बस यही रहे कि हम लोग का संदेश यही है, माता दुर्गा मैया के हर साल हम लोग अच्छे से मनाते हैं, पूरा पब्लिक आता है यहाँ पे, सब के वही रहे, सब जय माता दी। क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देंगे? सब खुशी खुशी आ रहे दशहरा देखने, हमारे यहाँ हर साल आते रहे। बहुत भीड़ है इंसान, भीड़ हर साल बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, सब जैसे हर साल भीड़ बढ़ते रहेगा यहाँ। चले बहुत बहुत धन्यवाद। Exclusive.
हमारे श्री गोपाल कमल के फूल के द्वारा जोड़ना स्वागत करेंगे। हमारे राजेंद्र जायसवाल जी भी हैं, उनका स्वागत हमारे अजीत सिंह जी के द्वारा किया जाएगा। तो मेरा अनुरोध है जोरदार तालियां इनके लिए भी। हमारे पूरे भारत में रावण दहन हो चुकी थे, लेकिन नावा पारा के अंतिम रावण दहन में हमारे आ जाओ तो प्राप्त हुई थे। ऐसे में समस्त क्षेत्रवासी ये वामांचल के रहने वाले हमारे माता बाप भाई बहनों वाला मैं बहुत बहुत आपका भाई देख हूँ। माँ दुर्गा के आज विसर्जन के अवसर पर माँ दुर्गा मंगला सुख समृद्धि और शांति के क्षेत्र में खुशहाली आए। आने वाले समय में एकल से भी बढ़ करके ये दशहरा मेला के आयोजन बहुत साथ है और आने वाले समय में और बहुत बड़ी एक बार अब हमारे क्षेत्र के विधायक और मंत्री हम तो आगे नहीं करें, लेकिन आने वाले समय में आप उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के भी सरकार बनी और वो भी हमारे मंत्री विधायक बनी के क्षेत्र के दशहरा के बढ़ाए हुए जो भी उपाय करना पड़ी उसके बाद हम पूरा सहयोग कर आने वाले समय में ये दशहरा हर भव्य हो और सरगुजा जिला में अपन एक नाम स्थान प्राप्त करी। इसके साथ साथ अपन भाई विराम दोस्तों हमारे क्षेत्र के लोग बोलिए पूर्व सांसद हमारे परम आदरणीय कमल भाट भैया बैठी है, हमारे परम आदरणीय दिनेश भैया बैठी है, राजेंद्र जायसवाल भैया बैठी है, हमारे बड़े भाई अजीत भैया हैं, विक्रम भाई हैं, संजीव भैया सुरेश भैया हैं, अजीत भाई सरपंच महोदय और इसके साथ पूरा समस्त नवा पारा क्षेत्र में जितना पब्लिक आए हैं सब लोग मैं हाथ जोड़ के जोहार कर दूं, आवाज के मैं अपना बुलाव कर दूं। आज इधर रावण दहन के आयोजन हो रहे हैं, मैं इस समिति के सारे सदस्य मंडला दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चार मन के सहयोग से मेरा नवा पारा के पावन धरा में आए अवसर मिले। आज दहन के मैं बिजली रहा मैं आप संबंध में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चार मन के बीच में आए मेरा नेता मिले अवसर मिले। आज बड़ा बड़ा खुशी के पावन अवसर है, खुशी के अवसर है। आज रावण दहन हो रहे हैं, रावण दहन का मतलब है बुराइयों का अंत आज असत्य पे सत्य के विजय हो करना है। रावण दहन ये अभी हो रही आज मैं इस क्षेत्र के पूरे जनता के दिल से आभार हूँ और ये ज्यादा मैं लाभ हो बस
गोपाल भैया के इतने बोल कर मैं पूरा अपन पानी का ध्यान देता हूँ। फिर से लास्ट एक बार हमारे नाम पर समिति के सब सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मन के आशीर्वाद से, आप मन के सहयोग से, आप मन के इसलिए प्यार से मेरा नाव पर अपने धरती पावन धरती में आए के आप मन के दो सौ छोड़े के अवसर मिल रहा है। बोलिए भारत माता की जय, माता की जय। शानदार और मजेदार आज के कार्यक्रम है। हमारे कर्माठ भैया साथी मन, बहनी मन, भाई मन के वाला सभी संगवारी भाई मन, हमारे शानदार मन और समान लेवैया मन, सब जन देखा मजा है, इतना मजा। और भाई पिछले साल भी हमारे मजा ला ले रहे, लेकिन आपको तो भाई देखा ये बड़का संख्या बढ़ गए। हर साल यहाँ का विशाल रूप धारण करे थे ये रावण दहन के कार्यक्रम। आज हमारे बीच में हमारे सरकारी मोर्चा के जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष भाई दिनेश गुप्ता जी हमारे बीच में है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, लोकप्रिय जिला अध्यक्ष भाई के राजेंद्र कुमार जी हमारे बीच में है। हमारे नावा नेता, हमारे खोकड़ा नेता भाई गोपाल सिन्हा जी हमारे बीच में है। गोपाल भैया की जय, गोपाल भैया की जय। मंच में आखिर पूर्व पार्षद सम्मानीय राकेश साहू जी, महाराज रतन पांडे जी, हमारे मंडल के लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष भाई चंद्रिका यादव जी, मंच के विराजमान हमारे देखा आओ संगवारी मन है, हमारे लोकप्रिय नेता और युवा एकता मंच के लोकप्रिय अध्यक्ष भाई अजीत सिंह जी, भाई विक्रम सिंह जी हमारे युवा एकता मंच के सचिव हैं, भाई संजीव जी, सुरेश जी हमारे एकता सदस्य लोकप्रिय सदस्य भाई हरीश सिंह जी, भारत सिंह जी सरपंच गुरवानी, हरीश सोनी जी और गुरवानी नरकालो रचित के सभी साथी मन, माता बहनी मन और ये विशाल जन समूह, माता बहनी हमार नौजवान साथी हमार लड़का छलवा सब रहा आज देखा इतना हसी खुशी के साथ रावण दहन के रूप में और विशाल कार्यक्रम के आयोजन है। मैं भाई अजीत के साथ सभी युवा एकता मंच के जो पदाधिकारी हैं, जो समिति है, हिमन के मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतना जन समूह प्रत्येक साल यहाँ आज के लिए अवसर प्रदान करते हैं,
हमारे हर साल जब से शुरू हो तब से मुख्य भाई मीनम जी मंदिर आपके बुलावा में और यहाँ हाथ नहीं देना पड़े। बहुत मजा आए, बहुत खुशी लगे कि ये लखनपुर के बाद सबसे पहले जिले दक्षिण के जिला मिर्जापुर राम ग्रहण के कार्यक्रम, फिर अपना दूसरा दिन लखनपुर के कार्यक्रम और आज तीसरा दिन हमारे अंगठी नामा पारा जीवन के कार्यक्रम ये विशाल निरंतर धारण करते जा रहे हैं। आज के इस अवसर पे मैं आप सब मिला बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। ये कार्यक्रम भाई अगर हम प्रत्यक्ष ये बुराई पे अच्छाई के जीत का प्रतीक रावण दहन करना पूरा देश में हम नई सार्वजनिक के साथ नई सोच के साथ जीवन यापन के लिए आगे बढ़ना, हमारे युवा साथी मन के आगे बढ़ना, माता पिता भाई बहनी सब किसी के रूप में और ये दशहरा विजयदशमी के रूप के मनाल साल और ये रावण की राक्षस जला के प्रतीक के रूप में जलाए के लिए हम हर साल यहाँ उपस्थित होते हैं।
समर्थन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे परम आदरणीय अजीत भैया यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बुलाया था, रावण दहन के कार्यक्रम आयोजन किया था उन्होंने, तो उस पर हम लोग आए हैं। बहुत अच्छी तैयारी थी, बहुत भव्य, जैसा कि आप देख रहे होंगे पूरा मैदान खचाखच भरा है। यहाँ के समिति के सभी सदस्यों का इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस रावण दहन का साक्ष्य बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। रोड के बारे में बता दीजिएगा। NH 130 बहुत खराब है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होने का संभावना हो रहा है, उस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ की सरकार की हालत बहुत खराब है। ये लोग आपसी प्रतिस्पर्धा मुख्यमंत्री की सीट को लेकर आपसी खींचातानी में पूरे 4 साल इन्होंने जनता का विश्वास के साथ खेला। आज जनता जिस विश्वास से इनको पूर्ण बहुमत के साथ बैठाई थी गद्दी पे, आज ये उस विश्वास के साथ धोखा किया इन्होंने। आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है, सड़कों की स्थिति खराब है, आए दिन हत्याओं की घटना सुनने को पढ़ने को मिल रही है, रोज चाकूबाजी, कालाबाजारी, रेत का कालाबाजारी, सभी तरह के जो जितने अनैतिक कार्य हैं वो इनके शासनकाल में किए जा रहे हैं। ये आज पब्लिक के विश्वास के बदले में पब्लिक को ये मिल रहा है इनके द्वारा। क्या कार्यक्रम है तो किस तरह यहाँ कार्यक्रम की तैयारी था उसे जानकारी बता दीजिए। यहाँ प्रत्येक साल ये विजयदशमी के उपलक्ष्य में रावण दहन का कार्यक्रम होता है और यहाँ के जो दुर्गा युवा समिति जो बना है इनका बहुत सक्रियता रहता है। पूरे समिति ने मिलकर के हमारे हमगसी, नावापारा, नरकालो, जुड़वानी, ये सब युवा साथी मिलकर के यहाँ भव्य कार्यक्रम होता है और मुझे लगता है कि पिछले साल से दुगना यहाँ जनसैलाब उपस्थित है और पूरे हर्षोल्लास के साथ आसपास के पूरे क्षेत्रवासी में माता बहनें, हमारे नौजवान साथी और प्यारे प्यारे बच्चा सब लोग यहाँ ये रावण दहन के कार्यक्रम को देखने आते हैं। जी जी, अभी वर्तमान में राजीव गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा चल रहा है, उस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी नौटंकीवाद, उनका मजा खाली लेते रहिए, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलना है, उनको कोई मतलब नहीं, उनका एक अलग दुनिया है। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अस्त व्यस्त करके ख़त्म करने के लिए संकल्प, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने वाला रैली चल रहा है। काहे कि अभी देख लीजिए ये राजस्थान में उनका आपसी लड़ाई चल रहा है, उस प्रकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के उनका आपसी खींचातानी चल रहा है और बोलते हैं कि हम निर्वाचन के माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अरे, आप में एकता है नहीं, आप में किसी प्रकार का अनुशासन है नहीं, ना पार्टी में अनुशासन है और ना आप में है। अगर आप में अनुशासन नहीं है तो देश में अनुशासन कहाँ लाओ मेरे भाई? ये तो पप्पू है, सब लोग कहते हैं पप्पू, और वास्तव में देखिए ये राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पूरे कांग्रेस को ख़त्म करके अब देश को ख़त्म करने के लिए चले हैं, तो मुझे लगता है कि इनका नौटंकी जो है, जैसे जैसे नौटंकी बात करते हैं वैसे वैसे और कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब वहाँ से पद यात्रा कर रहे हैं और एसी गाड़ी में जाके सो रहे हैं, घूम रहे हैं, अब पैदल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं भाई, हम लोग को तो लगता है फोटो खिंचवा के और थोड़ा सा चल सकते हैं। लेकिन देखिए उनका जो पद यात्रा भारत जोड़ने का चल रहा है, पहले कांग्रेस को जोड़ना है, इसके बाद भारत जोड़ना। लास्ट क्वेश्चन है, किसान लोगों के लिए जैसे इस बार पानी नहीं आया फिर भी उनको फायदा नहीं पहुंच पाया, लास्ट नंबर आया उसके बारे में। देखिए, छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार
कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गंगा जल लेकर के और वादा निभाने का कसम खाया था। अब मुझे लगता है कि जो भी उनका वो जो गंगा जल का याद दिला रहे हैं उसमें हमारे पब्लिक लोग को परेशानी हो रहा है और केवल किसान ही नहीं छत्तीसगढ़ के आम जनता परेशान है, युवा साथी परेशान है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी परेशान है, किसान लोग परेशान हैं, हमारे जो महिला वर्ग लोग हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता सभी विभाग के कार्यकर्ता लोग भारी परेशान में हैं और ऐसे सरकार को तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और मुझे लगता है आज देखिए किसी भी ग्राम पंचायत में कोई काम निर्माण का काम हो नहीं रहा है। मूलभूत का राशि केंद्र से आता है और वो राशि को नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी में लगवा दे रहे हैं, विकास का काम कुछ हो नहीं रहा है। हमारे गरीब परिवार को जो प्रधानमंत्री आवास पक्का का मकान मिलना था उस मकान को भी ये खा दिए। और ये देखिए ये जो गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका यह लगेगा और साल भर के अंदर में उनका विदाई होना तय है। उपेश सरकार का विदाई करना आम जनता ने संकल्प लेते जा रहा है और निश्चित रूप से विदाई होगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। ऐसे मैं नहीं पब्लिक बोल रहा है, पूरा जनता का त्यौहार मनाया जाता है, इस विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? देखिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये और ये रावण दहन का कार्यक्रम हमारे जो इस परिक्षेत्र में है, आज पहले दिन अंबिकापुर में होता है, दूसरे दिन लखनपुर और तीसरे दिन यहाँ नवापारा जैसे ग्रामीण अंचल में हो रहा है और इसकी भव्यता जो लगातार हर वर्ष बढ़ रही है, संख्या लगातार बढ़ रही है और दुर्गा पूजन के साथ साथ इतना बड़ा मेला का आयोजन होता है और रावण दहन के लिए लोग जमा होते हैं, इतने उत्साह के साथ जमा होते हैं, नौजवान हैं, पुरुष हैं, सब महिलाएँ हैं, सारे लोग दूर दूर से गाँव से आते हैं। और इस समिति नवापारा समिति के जो कमेटी है इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का आयोजन करके ये पूरे क्षेत्र में एक बहुत सुंदर आत्मीय वातावरण बनाने का निर्माण का काम बड़ा काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसे आयोजन लगातार ये करते रहें और इसकी भव्यता हमेशा बढ़ती रहे, मैं इसके भगवान श्री राम से ऐसे मांग करता हूँ। पूरे पारंपरिक तरीके से मनाने का प्रयास होता है, सारे गांव वाले उत्साह के साथ यहाँ पे जुटते हैं और हमारे देश में जो अतिथि आते हैं विशेष करके आज के जो अतिथि आए थे मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और जब भी हम लोग उनको श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक बुलाते हैं अतिथि हमारे देश आते हैं और सभी ग्रामवासी उत्साहपूर्वक दशहरा में शामिल होते हैं। इस बार आपके द्वारा क्या क्या तैयारी किया गया था दशहरे में बता दीजिएगा? ये तैयारी देखिए हम लोग सारे ग्रामवासी एक साथ मिलकर करते हैं, ये लगभग 5 गांव का केंद्र होता है, लगभग 5 गांव के लोग, 5 गांव के विशेष करके युवा और वरिष्ठ लोग जो होते हैं उनके आशीर्वाद से एक समिति बनती है और उसके माध्यम से मार्गदर्शन के बाद जो सबसे बड़ी जो भीड़ यहाँ उमड़ती है दशहरे के दिन और किस तरह से आप लोग ने शुरुआत से जो तैयारियाँ की थी उसके बारे में बताइए और कैसे आज इसको संपूर्ण किया? तो जैसा कि मैंने कहा कि सन 1997 से हम लोगों ने शुरुआत किया था और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों की सहभागिता है, जैसे हम लोग भंडारा भी करते हैं तो खुद से अपने समिति के सदस्य हम लोग खुद ही मिस्त्री होते हैं, खुद ही मार्केट में होते हैं। नवापारा कितना ज़्यादा लोकप्रियता है कि लोग दूर दूर से आते हैं, ये लोकप्रियता सब लखनपुर के बाद सबसे ज़्यादा दोनों जगह से आज यहाँ, ये सब आप लोग का प्यार और स्नेह है। और आपके समिति के द्वारा यातायात को लेकर क्या सुझा दी गई यातायात को लेके थोड़ा समय दुखी हूँ कि पुलिस प्रशासन को हम लोग हर बार सूचना देते हैं लेकिन पुलिस प्रशासन का उतना सहयोग हमको नहीं मिल पाता और निश्चित रूप से यातायात में दिक्कत आती है और जिनको दिक्कत आती है तो वो स्वाभाविक है कि हमको भी उससे परेशानी। भव्य रावण दहन किया गया, कितने फीट का रावण था और किस तरह से तैयारियाँ रावण दहन के लेके? ये 30 फीट का रावण था और प्रतिवर्ष हम लोग कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं और हम लोग